दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में 100% वास्तु को अप्लाई नहीं कर पाते। कुछ लोग घर में ऐसे होते हैं जो वास्तु को मानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तु में बिलीव नहीं करते हैं। बट जो लोग बिलीव करते हैं उन्हें पता होता है कि किस वजह से कौन से ऐसे वास्तु दोष हैं जिनके कारण आपके घर में समस्याएं आ रही हैं, और बहुत बार हम नहीं कर पाते वास्तु के उपाय। तो आज ऐसे ही 6 उपाय जो कि आप अपने घर में कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप भी एक बहुत अच्छा जीवन जी सके। दोस्तों, इसमें सबसे पहला उपाय है दोस्तों, समुद्री नमक से घर की सफाई करना। दोस्तों, आप जब भी अपने घर में पोछा लगाते हैं, आप एक छोटा सा उसमें एडिशन कर लीजिए कि जो पोछे का पानी है उसमें थोड़ा सा समुद्री नमक डालना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, समुद्री नमक जो होता है, एक होता है खाने वाला आयोडाइज नमक, एक आता है आपका हिमालयन सॉल्ट, एक आता है सेंधा नमक, समुद्री नमक अलग आता है। दोस्तों, ये बेसिकली यूज किया जाता है जो आपके वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाते हैं वो लोग इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये घर में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। हर प्रकार के जो भी आपके घर में छोटे मोटे वास्तु दोष बनते हैं, जो भी आपके घर में वास्तु दोष है ऑलरेडी, उनको भी न्यूट्रल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है समुद्री नमक। तो आज से ही अपने पोछे के पानी में 1 चम्मच समुद्री नमक मिलाना शुरू कर दीजिए और देखिए दोस्तों कैसे आपके घर से नेगेटिविटी खत्म होती है। नेगेटिविटी खत्म होने से क्या होगा, आपके घर का ऑरा जो है वो पॉजिटिव होगा। घर में जो बहुत बार ऐसा होता है, घरों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, उसको भी खत्म करने में बहुत हेल्प करता है। जिस दिन से आप समुद्री नमक का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे उस दिन से आपको महसूस होगा कि आपके घर में एक अलग पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई है, थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल रहने लगा है आपके घर में जो बिना वजह झगड़े होते थे वो भी कम होने शुरू हो गए हैं। दूसरा वास्तु का उपाय आपको करना है, आपको अरोमा थेरेपी का इस्तेमाल करना है अपने घर में। जो भी आपको अरोमा अच्छी लगती है, जो भी आपको फ्रेग्रेंस पसंद है, उस फ्रेग्रेंस का एसेंशियल ऑयल ले लीजिए या कोई भी, जैसे भी आप मार्केट से अरोमा वाली स्टिक्स लाते हैं आप उनको भी बर्न कर सकते हैं। आप अपने घर में एसेंशियल ऑयल को बर्न कर सकते हैं, जो ऑयल डिफ्यूजर आते हैं उनको लगा सकते हैं। जो भी सबसे अच्छा इसमें लेवेंडर होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी एक कैम्फर अरोमा ऑयल से आती है, एक आपकी लेवेंडर से आती है। अगर आप भी इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल अपने घर में करते हैं तो आपने सी सॉल्ट से नेगेटिविटी खत्म कर दी, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करनी शुरू करी है आपने सी सॉल्ट से, अब आप अरोमा थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉजिटिविटी को बूस्ट करने के लिए अपने घर में। दोस्तों, वास्तु डिफेक्ट्स तब ज्यादा नुकसान देते हैं जब आपके घर में नेगेटिविटी ज्यादा हो, वास्तु डिफेक्ट कम नुकसान देते हैं अगर आपके घर में पॉजिटिविटी ज्यादा होगी। तो आपको पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ानी है, एनहेंस करनी है अपने घर में, तो आप समुद्री नमक का इस्तेमाल किया आपने नेगेटिविटी को खत्म करने में, पॉजिटिविटी को एनहेंस करने के लिए आपने अरोमा थेरेपी का इस्तेमाल किया। कोई भी अरोमा ऑयल जो भी आपके घर का कॉमन एरिया है उसमें आप एक डिफ्यूजर लगा लीजिए, दिन में 1 से 2 घंटे के लिए उसको चलाइए, ताकि आपके पूरे घर में इसकी अरोमा, इसकी फ्रेग्रेंस फैले और पॉजिटिविटी बने आपके घर में। तीसरा है दोस्तों, आप अपने घर में मेन डोर के आसपास जब भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मुख्य द्वार कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव पद पे आ रहा है, कभी ऐसा होता है नेगेटिव पद पे आ रहा होता है, तो उस केस में आप चाहे आपका मुख्य द्वार पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, दोस्तों मेन डोर से आपको पॉजिटिविटी अपने घर में लानी है। वो आप कैसे कर सकते हैं, आप वहां पर कोई भी कैम्फर का डिफ्यूजर लगा सकते हैं या कैम्फर कपूर की जो टैबलेट्स आती है, पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजें जो कपूर, उसकी जो टैबलेट्स आती है उनको भी आप वहां पर अपने मेन डोर के आसपास रख सकते हैं, किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल में डाल के या किसी भी जो आपके छोटे छोटे
फ्रेग्रेंस के बॉक्सेस आते हैं उनमें भी डाल के रख सकते हैं। दोस्तों टेबलेट्स का इस्तेमाल कीजिएगा कैम्फर की, ये ज्यादा असर करती है एज कम्पेयर टू अरोमा ऑयल। अगर आप कैम्फर का अरोमा ऑयल लेते हैं उससे बेटर काम करती है। आपको मेन डोर से चाहिए पॉजिटिविटी, और मेन डोर से चाहे आपका मुख्य द्वार गलत दिशा में है चाहे सही दिशा में है, अगर आप वहां से पॉजिटिविटी लेना चाहते हैं तो आप इस उपाय को करिए। कैम्फर की टेबलेट्स रखिए अपने मुख्य द्वार के आसपास ताकि आपके घर में आ सके पॉजिटिविटी। और जब भी आपको लगता है कि कैम्फर की टेबलेट्स खत्म हो रही है उसमें रिफिल कर दिया, 3-4 टेबलेट्स और डाल के छोड़ दी। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट जो आपको उपाय करना है, फोर्थ जो आपको रेमेडी करनी है वो है क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्स के टंबल स्टोन आपको इस्तेमाल करने हैं अपने घर में। दोस्तों क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्स के टंबल स्टोन पॉजिटिविटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, नेगेटिविटी को खत्म करने में हेल्प करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में बहुत बीमार रहता है या बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं या बहुत बार ऐसा होता है घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत झगड़े होते हैं, इस काम के लिए भी आप क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्स के टंबल स्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने घर के कॉमन एरिया में रखते हैं तो ये आपके घर में ओवरऑल पॉजिटिविटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये था दोस्तों आपका चौथा उपाय। पांचवा उपाय आपको करना है, आपको अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बूस्ट करना है। आपको उनको उनका जो एलिमेंट है एक्टिवेट करना है। अब एलिमेंट कैसे एक्टिवेट करेंगे, नॉर्थ ईस्ट का एलिमेंट है दोस्तों वाटर, वहां पर आपको वाटर एलिमेंट को एक्टिवेट करना है। वहां पर किसी भी रूप में आप नीले रंग का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लू कलर का अगर आप इस्तेमाल बढ़ाएंगे तो आपके घर में ओवरऑल पॉजिटिव बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर कोई भी वास्तु दोष उस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट में है तो वो भी आपको नुकसान कम देगा। दोस्तों ये ओवरऑल पॉजिटिविटी को आपके घर की हम बढ़ा रहे हैं ताकि जो आपके घर में वास्तु डिफेक्ट्स हैं वो कम हो जाए, वो आपको नुकसान कम दे। उसके बाद आपको बढ़ाना है, उसके बाद आपको एक्टिवेट करना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन को। दोस्तों साउथ ईस्ट होती है हमारे प्रोग्रेस की डायरेक्शन। हमें लाइफ में बहुत बार गवर्नमेंट से, बहुत बार यार दोस्तों से, बहुत बार हमारे जो आसपास के लोग हैं उनसे फेवर लेने पड़ते हैं, उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसी काम को करने के लिए, सोशल सर्कल को मैनेज करने के लिए साउथ ईस्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इवन दोस्तों आप देखेंगे ऐसे घरों में जिनमें साउथ ईस्ट कटा या बड़ा होता है ऐसे घरों में बच्चे आमतौर पर बिगड़ जाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा अलग अलग घरों वाले आपको बताते होंगे एज अ वास्तु कंसल्टेंट अगर आप कहीं जाते हैं कि जी हमारा लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है, वो गंदी आदतें पड़ी हुई हैं उसको, रोज ड्रिंक करता है, स्मोक करता है और पैसे पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ाता रहता है। दोस्तों देख लीजिएगा उस घर में साउथ ईस्ट में कोई ना कोई कटा रहा होगा, ऐसे घरों में आमतौर पर ऐसा काम होता है। तो साउथ ईस्ट को आप एक्टिवेट करेंगे ताकि आपके घर में इस तरीके की समस्याएं ना आए और आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले। आपको जहां पे आप काम करते हैं आपके बिजनेस में हर जगह आपको सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट की डायरेक्शन होती है दोस्तों साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपको साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करना है, वो है फायर कॉर्नर, अग्नि कोण है दोस्तों। आप वहां पर रेड कलर का इस्तेमाल अगर बढ़ाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपको उस डायरेक्शन से बहुत ज्यादा फेवर मिलेंगे। अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका फायर कॉर्नर एक्टिवेट होगा। वहां पर कोई दोष भी अगर बन रहा है साउथ ईस्ट में, बहुत बार किचन नहीं आ रही होती, टॉयलेट बन रहा होता है, उस डिफेक्ट को भी कम करता है अगर आप साउथ ईस्ट में रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं दोस्तों छठा वास्तु उपाय, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साउथ वेस्ट में ओनर का प्रेजेंट होना। वो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है साउथ वेस्ट में टॉयलेट बन रहा है या एंट्री आपकी साउथ वेस्ट की है या किसी भी कारणवश जो घर का मुखिया है वो साउथ वेस्ट में नहीं आ पा रहा है, कोई ड्रॉइंग रूम बनाया, डाइनिंग रूम बनाया, किचन है, साउथ वेस्ट में आपको ओनर को लाना है। अब कैसे ला सकते हैं क्योंकि किचन में थोड़ा ओनर सोएगा, तो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो भी आपका साउथ वेस्ट का डायरेक्शन मिल रही है आपको, जो भी लास्ट, क्योंकि किचन के अंदर कभी भी पिक्चर नहीं आएगी, टॉयलेट के अंदर पिक्चर नहीं आएगी, उसके बाहर आपको लगानी है, आपको साउथ वेस्ट में ओनर की पिक्चर लगानी है दोस्तों, ताकि ओनर फिजिकली अगर वहां प्रेजेंट नहीं है तो कम से कम उसकी पिक्चर आ जाए ताकि घर में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो। दोस्तों
सारी समस्या का समाधान होता है। अगर आपके घर में स्टेबिलिटी है, आपके घर में ओनर की अथॉरिटी चलती है, अगर ओनर की अथॉरिटी नहीं होगी, ओनर गलत स्थान पे होगा, तो घर में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। झगड़ों से दोस्तों अच्छे से बड़े घर टूट जाते हैं झगड़ों की वजह से। तो अगर आपके घर में झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपके घर में स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो आपका जीवन वैसे ही सुखमय हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।